हाय फ्रेंड्स, मैं रोमा आपका रोमांस किचन एंड ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे गुलाब जामुन। गुलाब जामुन बनाने में ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है, और जब भी बनाइएगा तो आपका गुलाब जामुन अच्छा ही बनेगा, अगर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पर ध्यान दें। तो चलिए बनाते हैं गुलाब जामुन। गुलाब जामुन बनाने के लिए हमने लिए हैं मावा, पनीर और चीनी। सबसे पहले हम एक फ्लैट सरफेस वाला थाली या परात लेंगे, उसमें अपना मावा थोड़ा तोड़ लेंगे और उसे अपने हथेली की सहायता से मिलाएंगे। अब हम लेंगे पनीर। पनीर को भी तोड़ के अपने हथेली की सहायता से मिक्स करेंगे। मावे और पनीर को हमें इतना मसलना है कि वो एकदम से सॉफ्ट हो जाए। अपने इसी हथेली के इसी भाग से पनीर को मसलना है। देखिए फ्रेंड्स, 10 मिनट करीब हमने इसे मला है और हमारा मावा और पनीर बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। अब हम मावे में 2 चम्मच मैदा दे दिए। मैदा भी हम मिला लेंगे अच्छी तरीके से। अब हम डो में 2 चुटकी बेकिंग पाउडर देंगे और इसे भी अच्छे से मिला के एक डो बनाना है। अब देखिए हमारा डो थाली छोड़ रहा है, चिकना हो गया है। अब हम डो को ट्राई करते हैं एक गोला बना के। गोला भी बिल्कुल चिकना बना है, बिल्कुल कहीं भी दरार नहीं आ रहा है, तो हमारा डो तैयार है। अब हम इसे ढक के साइड में रख देंगे और चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए हम एक बर्तन लेंगे, उसमें करीब हमारा 1/2 केजी चीनी है। 1/2 केजी चीनी में हम 400 ग्राम पानी ऐड करेंगे। अब हम चीनी और पानी को खौलने देंगे। अब हमारा चीनी पानी खौल चुका है। अब 2 मिनट में हमारा चाशनी रेडी हो जाएगा। तो चलिए अब हम ऑयल गरम कर लेते हैं गुलाब जामुन के लिए। तो ऑयल, तो एक कढ़ाई लेंगे गुलाब जामुन तलने के लिए, उसमें हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे एकदम स्लो फ्लेम पर। हमें गुलाब जामुन तलने के लिए बहुत गर्म तेल की ज़रूरत नहीं होती है, एकदम मीडियम गर्म तेल की ज़रूरत होती है। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा चाशनी खोल चुका है। अब हम इसमें इलायची कूट के डाल दिए हैं। अब चेक करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हाथ में लगाने से बिल्कुल तेल जैसे फिसल रहे हैं, तो हमारा चाशनी रेडी है। ऐसे 2 मिनट पकाने से रेडी हो जाता है। तो चलिए अब गुलाब जामुन छानते हैं। डो को हम फिर से एक बार हल्का सा मसल लेते हैं और एक छोटा सा लोई बना के डालते हैं। चेक करते हैं हमारा तेल मीडियम गर्म हुआ कि नहीं गुलाब जामुन तलने लायक। डो को हम बराबर बराबर पीस में काट लेंगे। चाहे हमें जितने भी बड़े बनाने हों उस अनुसार काटेंगे, और हथेली को प्रेस कर करके हमें गुलाब जामुन बनाना है। इससे गुलाब जामुन चिकना बनता है और फटने का डर नहीं रहता है। दूसरा भी हम एक बार दिखा देते हैं। हथेली को हथेली को दबाना है। देखिए फ्रेंड्स,
ऑयल में बबल्स आ रहे हैं हल्के हल्के, इसका मतलब ऑयल रेडी है गुलाब जामुन तलने के लिए। तो हम एक एक करके गुलाब जामुन डालेंगे और तलेंगे। गुलाब जामुन को हमें एक चाकू से या चम्मच के डंडे से चलाना चाहिए, किसी कच्ची से चलाने से वो टूट भी सकते हैं। और तुरंत नहीं, इसी तरह फ्रेंड्स इसी तरह चलाना है बिल्कुल हल्के हाथों से। देखिए फ्रेंड्स, हमारा गुलाब जामुन लो फ्लेम पर कितने अच्छे से सिक रहा है। गुलाब जामुन को हमें हमेशा लो फ्लेम पर सिकना चाहिए। गुलाब जामुन को तलने के लिए कम से कम 10 से 12 मिनट का टाइम हमें लग जाता है। गुलाब जामुन तलने में हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हमारे गुलाब जामुन कच्चे रह जाएंगे और अंदर से गुठली जैसा रहेगा। अब हमारा गुलाब जामुन गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे निकाल के चाशनी में डालेंगे। हमारा चाशनी ना तो बहुत गर्म रहना चाहिए ना पूरा ठंडा रहना चाहिए, ये बीच में रहना चाहिए, ठंडा और गर्म के बीच में। अब हम दूसरे ट्रिप में भी गुलाब जामुन तल लेते हैं, ठीक उसी प्रकार। देखिए फ्रेंड्स, कितना छोटा छोटा साइज था और फूल के कितने बड़े बड़े हो रहे हैं गुलाब जामुन। अब हमारा ये वाला गुलाब जामुन भी अच्छे से सिक रहा है। हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें। देखिए फ्रेंड्स, गुलाब जामुन कितने अच्छे से सिक रहे हैं। अब हमारा गुलाब जामुन गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे निकाल के इसे भी चाशनी में डिप करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारा गुलाब जामुन बनाने का नियम अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारी रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा गुलाब जामुन बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे करीब करीब 3 से 4 घंटे के लिए ढक के रख देंगे, तब हमारा गुलाब जामुन चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे गुलाब जामुन को 3 से 4 घंटे हो चुके हैं, तो मैं इसे कट करके दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा गुलाब जामुन कितना स्पंजी बना है, कितना सॉफ्ट, और चाशनी पी के पूरा भारी हो चुका है और खाने में भी बहुत टेस्टी बना है। तो फ्रेंड्स, आप लोग कब ट्राई कर रहे हैं मावा से गुलाब जामुन बनाना? फ्रेंड्स प्लीज़, आप लोग एक बार गुलाब जामुन बनाइए और अपना अनुभव कमेंट में शेयर कीजिए। अभी त्योहारों का मौसम चल रहा है तो राखी तीज तो बनाइए
और इन्जॉय कीजिए गुलाब जामुन। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई रेसिपी के साथ।